नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। मैं हूं श्रवण शर्मा। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के गुलाके अड्डे पर, जहां पर कुछ बच्चों ने रावण का पुतला बनाया है, जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल होगी या उससे भी कम होगी। आइए उन बच्चों से जानते हैं कि आखिर उनके दिमाग में ये आया कहां से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दशहरे में बच्चे खुशियों में इतने लीन रहते हैं कि वो उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो बाकी चीज़ों के लिए समय दे पाएँ। ऐसे में बच्चों ने आइडिया लगाया और रावण का पुतला बनाया। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। अच्छा, कौन सी कक्षा में है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फोर्थ बी। आप? माय नेम इज नंदिनी एंड आई एम स्टडीिंग इन बीकॉम फर्स्ट ईयर। आपका क्या नाम लिया? माय नेम इज वेबो, आई स्टडी इन फिफ्थ बी, फिफ्थ ए। तो ये बताइए, आप लोग इतने छोटे छोटे हो, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा आइडिया, आपने पूरा पुतला खड़ा कर दिया रावण का, तो क्यों खड़ा किया, कोई वजह है? दिवाली के बारे में आप कितना जानते हैं? जी, दिवाली के बारे में तो हम बस इतना ही जानते हैं कि इस दिन राम जी लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, अपने वनवास से लौटे थे, तो इसी के शुभ अवसर पर जो है ना ये दिवाली हम लोग मनाते हैं। इसी के खुशी में सबने आज के दिन दिए जलाए थे, तो इसीलिए हम लोग दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपने रावण का पुतला बनाया, आप सभी लोगों ने मिलकर, तो कहाँ से, क्योंकि पुतला तो ऐसा नहीं बन गया, पैसे की ज़रूरत हुई होगी, समय रहा होगा, आपको स्कूल भी जाना रहता होगा, तो कैसे सब कुछ कैसे मैनेज हुआ? अभी तो वैसे ही मैं स्कूल जा नहीं रहा हूँ, तो इस हमारे घर में ज़रा प्रॉब्लम है, तो इसमें छुट्टी है तो हम लोग बना ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आप स्कूल जा रही थी? नहीं, हम भी नहीं जा रहे थे स्कूल। मतलब आप लोग छुट्टी मार के बैठे हैं और छुट्टी में आप लोगों ने रावण का पुतला बनाया है, यही ना? आपका क्या नाम है? रुद्र। अच्छा, कौन सी क्लास में है, क्या करते हैं? 8th B। अच्छा, तो आप इन बच्चों में सबसे बड़े दिख रहे हैं, तो ये बताइए, आप ही चारों लोगों ने मिलकर बनाया है या फिर कुछ बड़े भाइयों का या मम्मी का, पापा का, या मोहल्ले में किसी बड़े भैया का कोई सपोर्ट रहा? नहीं नहीं, दो लोग और हैं इसमें इंक्लूडेड, बॉबी और तालिब। अच्छा अच्छा, तो बॉबी तालिब से हम बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कि उस पुतले को देखते हैं, रावण के उस पुतले को देखते हैं जिसको बनाया बच्चों ने, जिसको तैयार किया, काफ़ी मेहनत लगी जिसमें। तो हम अपने कैमरामैन आकाश जी से कहेंगे कि वो वहां तक ले चले हैं। ये बताइए, इतना बड़ा पुतला जो कि आपकी हाइट से भी ज़्यादा है, आप सबकी हाइट से ज़्यादा है, तो सर तक कैसे हाथ पहुँचा और कैसे आप लोगों ने उसकी मूछें बना दी, कैसे उसके 10 सर बना दिए? ये सब ये इतने लंबे लंबे थे, इन्हीं लोग ने बनवाया है। अच्छा, लंबे लंबे जो भैया हैं वो भी आ जाएँ कैमरे पर। तो क्या नाम है आपका? जी, बॉबी कुमार। अच्छा, तो बच्चे अभी तक आप ही का नाम ले रहे थे, एक तालिब भी हैं। जी तालिब, वो अभी इस वक्त हमारे साथ है नहीं, कहीं चले गए काम से। तो ये बताइए, इन बच्चों में सबसे सीनियर आप नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों का कैसे सपोर्ट किया आपने, क्योंकि इसमें जो है इन्वेस्ट भी हुआ होगा, टाइम भी काफ़ी लगा होगा, तो कैसे मैनेज हुआ सब कुछ? सब टाइम आराम से मैनेज हुआ, एकदम धीरे धीरे हम लोगों ने प्रॉपरली हर चीज़ को बनाया इसको, और इन लोग ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ मैंने कंट्रीब्यूट किया, उस हिसाब से हम लोगों ने रावण एकदम क्लियरली बना लिया, कुछ ये नेट के द्वारा देख के, कुछ यूट्यूब के सारे देख के हम लोगों ने आराम से क्लियरली बना लिया एकदम। अच्छा, तो ये बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल जाना बंद कर दिए थे रावण के पुतले को बनाने के चक्कर में, मेरे ख्याल से, क्यों? आप बताइए। क्योंकि हम लोग के स्कूल की वजह से हॉलीडेज़ चल रही थी, ये दशहरा हॉलीडेज़, और पेपर्स एंड हो गए थे, इस वजह से उसके भी हॉलीडेज़ थे, तो हम लोग के पास टाइम था, इसलिए उन्होंने बना दिया। तो एक चीज़ ये बताइए, आप बताओ बेटा, आप सबसे छोटी हो, आप थोड़ा पास आ जाओ, कि रावण का पुतला जलाया जा रहा है, आज दशहरा मनाया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इसमें क्या क्या बनाया है? हमने ये सब लोग को ग्लू और टेप दिया था। अच्छा, तो आपने ग्लू और टेप दिया, चलिए बहुत बढ़िया। आपने क्या किया? हम भी इन्हीं लोग की मदद कर रहे थे, ग्लेस पेपर चिपका रहे थे और पेस्ट पे चेक कर रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया है। और आप लोगों ने जो पुतला तैयार किया वो बेहद शानदार है। हमारे साथ तालिब जी भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपने किस तरह का सपोर्ट किया? हमने जो है पहले तो भैया, मेरे भाई ने कंट्रीब्यूट किया था, फिर उसने बताया कि जो है हम लोगों को ये सब बनाना है, तो हम जो है जाकर पूरा ढांचा लेकर आए, पूरा इसका पेपर वर्क पेपर लेकर आए, फिर इसके ऊपर डिज़ाइन करी, कटिंग करी हम लोगों ने, हमने ऐसे सपोर्ट किया। फिर जो ऊपर का वर्क था वो मैंने क्लियर किया, फिर लोग भाई ने थोड़ा सा किया, फिर बच्चों ने हेल्प करी थी, ऑब्वियसली उन लोगों ने टेप ग्लू और ये सब छोटा छोटा वर्क
जो था उन लोगों ने बहुत ईजिली हम लोगों को प्रोवाइड कराया और हम लोगों ने करा आसानी से। जी जी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड में आप दोनों लोगों का सपोर्ट था। हम जानेंगे, इन बच्चों के माता पिता से भी बात करेंगे कि आखिर बच्चों का जहां खेल के प्रति उत्साह कम हो रहा है, लोग घर के बाहर जाना कम कर रहे हैं, ऐसे में माँ बाप ने बच्चों को क्यों इतना समय दिया कि वह पुतले को बनाए। आइए उनके माँ बाप से बात करते हैं। बच्चों के परिवार के लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। तो ये बताइए कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा पुतला कैसे बना ले गए? इनका मन था, काफ़ी सालों से ये छोटे से बना रहे हैं, ये आज से नहीं, करीब 8-10 साल हो गए ये बनाते इन लोगों से। तो हर साल मतलब बच्चे पुतला बनाते हैं? हर साल बनाते हैं, इनके तो पेपर भी कल से शुरू हैं, फिर भी 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 4-4 घंटे, तो कल 3 बजे तक इन लोगों ने रात में बनाया है। अच्छा, तो 3 बजे रात तक बच्चों ने पुतले को तैयार किया है। तो आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे बच्चों के इस उत्साह को? अरे बच्चे हमारे लोगों के सुशील हैं, मतलब जो हैं, जो जैसे भी उन्होंने तैयार किया है, ये रात में 3-3 बजे रात तक इन्होंने काम किया है, डांटने में पढ़ने पढ़ो, लेकिन कहने लगे पापा थोड़ा सा ये करेंगे वो करेंगे, हमें जाओ बेटा आराम से सब काम करिए। तो आज तो रावण जल जाएगा, बच्चे आज से फ्री हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब आप खुश हैं? जी हाँ बिल्कुल खुश हूँ। अब भी खुश थे, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। जी जी, तो ये चाहेंगे कि हमारा लड़के, ये लोग बच्चे जो मेहनत करी ना, ये हर साल करें, ऐसे ही करें, बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? ये पंडित अजय कुमार शर्मा। अच्छा सर, तो आप क्या कहेंगे, छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर के इतना बड़ा पुतला बना दिया, तो उनके उत्साह को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें गर्व की बात है कि भाई हमारे जो प्राचीन प्रथा चली आ रही है उसको उजागर करने के लिए नए बच्चे जो आजकल भूले जा रहे हैं उनको अच्छे से ज्ञान मिलेगा इस चीज़ के लिए। ये बड़े गर्व की बात है और बड़ा अच्छा लगता है कि ये चीज़ अपने आज छोटे से मोहल्ले में हो रहा है, कल को बड़ा भी हो सकता है इससे, इसलिए अच्छा लगता है इन बच्चों के बाद प्रति बहुत पसंद। आप कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी कुछ किया बच्चों ने अच्छा किया, और आज से नहीं करीब 7-8 साल से मेहनत चल रही है, और कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं आई, और आपकी न्यूज़ चैनल ने इनको दिखाया, और इसी पे सहयोग है कि इनका आदर सम्मान किया जाए और इस पर्व को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बच्चों ने जितनी मेहनत की है वो बेहद तारीफ के लायक है। कहीं ना कहीं से यह बात भी वाजिब होती है कि प्रत्येक वर्ष रावण तो जलाया जाता है, माना जाता है कि हार पर यह विजय की गाथा लिखी जाती है जिसे इतिहास दोहराता चला आ रहा है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि क्या वाकई हमारे अंदर की जो आत्मा है उसके अंदर बसा रावण है, क्या हमने उसे ख़त्म किया, क्या हमने उसे जलाया? इस चीज़ पर विचार कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए।